स्वागत है आप सभी का क्रिकेट न्यूज पर। और बात चल रही है उन चार टीमों की जो आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में जगह बना चुके हैं। इस एपिसोड में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। कमबैक सुपर किंग्स के नाम से जानते हैं इनके फैंस इन्हें, और ये शब्द जचता है क्योंकि इनकी कहानी का एक अहम हिस्सा रहा है। अब पिछले साल जो आखिरी मुकाबला चेन्नई ने खेला था उसको याद करें, मैच के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि हम कमबैक जरूर करना चाहेंगे क्योंकि उसी चीज के लिए जाने जाते हैं, और इस सीजन वही करके दिखाया चेन्नई ने। टीम में उतने बदलाव नहीं हुए, देखिए मोइन अली एक नया नाम जुड़े हैं, सुरेश रैना टीम के साथ वापस आए, लेकिन लगभग उसी स्क्वाड के साथ टीम ने इस सीजन में मैदान में जितने मैच जीते हैं वो एक अविश्वसनीय सी बात लगती है। पहला मैच हारे दिल्ली के खिलाफ, फिर 5 मैच लगातार जीते भारत में, मुंबई के खिलाफ वो जो आखिरी मैच था आईपीएल स्थगित होने से पहले वो हारे, मुंबई के खिलाफ मैच जीतकर यूएई लीग की शुरुआत की। आखिरी 3 मुकाबले हारे जरूर हैं लीग स्टेज में, लेकिन बल्ले और गेंद के साथ ऐसा प्रदर्शन रहा है जो टीम को बहुत कॉन्फिडेंस देगा इस प्लेऑफ्स से पहले। दिल्ली की तरह चेन्नई के लिए भी उनके 2 सलामी बल्लेबाजों ने उनके रनों की नींद रखी है अधिकतर इस सीजन, ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी। दोनों ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, और उनसे ज्यादा पहले विकेट के लिए किसी और सलामी जोड़ी ने रन नहीं बनाए। लेकिन यही एक दिक्कत का विषय भी बन सकता है जब आपके मिडल ऑर्डर को उतने बल्लेबाजी करने का मौका ना मिले, क्योंकि आपके ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं और जब उनके विकेट जल्दी गिर जाए तो मिडल ऑर्डर पर प्रेशर ज्यादा बन जाता है, और ये देखने को भी मिला है चेन्नई के आखिरी कुछ मुकाबलों में। पर फिर भी पॉजिटिव्स हैं चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में जिनके साथ वो प्लेऑफ्स में उतरना चाहेंगे। मोइन अली, उन्होंने नंबर 3 का जो किरदार अपनाया है चेन्नई के साथ अपने पहले सीजन में 300 से ज्यादा रन बनाए। अंबाती रायडू उतने रन नहीं बना पाए, शायद उतना मौका भी नहीं मिला उन्हें बल्लेबाजी करने का जितना वो चाहते होंगे, लेकिन जिस तेजी से रन बनाए हैं चेन्नई की टीम में इनसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट और किसी बल्लेबाज की नहीं है। 2 ऑलराउंडर हैं चेन्नई में जिनके बारे में अलग से बात करनी होगी, लेकिन बल्लेबाजी की गहराई नंबर 10 तक है, और ये एक बहुत बड़ी बात रही है सीएसके के लिए इस सीजन के नंबर 10 पर दीपक चहर जैसा बल्लेबाज आता है जो कि अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, और उन्होंने वो इंटरनेशनल लेवल पर भी करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो कि 2 बड़े किरदार रहे हैं सीएसके की कथा में, उनका फॉर्म में नहीं भी होना फैंस के लिए चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि बाकी बल्लेबाज हैं जो मैच संभाल सकते हैं, जो मैच जिता सकते हैं। ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा के रूप में चेन्नई के पास 2 ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के जरिए टीम को मैच जिता सकते हैं। उन दोनों का फॉर्म में रहना, उन 2 खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना जो टीम के साथ काफी सालों से रहे हैं और उच्च स्तरीय ऑलराउंडर्स हैं विश्व क्रिकेट के, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि टीम की जो पूरी एनर्जी है वो चेंज हो जाती है इन 2 खिलाड़ियों के फॉर्म में रहने से। लेकिन गेंद के साथ केवल ये 2 खिलाड़ी नहीं है जो अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खास तौर पर इस यूएई लीग में जिन मौकों में उन्होंने विकेट निकाले हैं जब ऐसा लगता है कि विपक्षी टीम जीत की ओर अग्रसर हो रही है और यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनके लिए, तब विकेट निकालते हैं, और इसीलिए हर मैच में लॉर्ड की जो उपाधि उन्हें मिली है उसे सही साबित करते हैं। जॉश हेजलवुड आखिरी कुछ मुकाबलों में अच्छे लय में नजर आए हैं चेन्नई के लिए। दीपक चार उस फॉर्म में नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन पावर प्ले ओवर्स में जब विकेट निकालते हैं तो विपक्षी टीम को शुरुआती ओवरों में ही मैच से बाहर कर सकते हैं और चाहेंगे कि प्लेऑफ्स में वैसा ही प्रदर्शन करें। तो गेंद और बल्ले के बीच जो बैलेंस है इस चेन्नई की टीम में वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते वो इस साल ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं।